नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतर्कता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार जिले के जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास रिंगनोद में सुबह दो छात्रों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद छात्रावास में हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि ग्राम रिंगनोद के जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास में करीब सुबह 7:30 बजे करंट लगने से दो बच्चों की मौत हो गई। छात्रावास में आज सुबह पानी की टंकी को साफ करने के लिए दो छात्र टंकी में उतरे थे। इसी दौरान टंकी में लगी विद्युत केबल से करंट फेल गया और दोनों बच्चे करंट की चपेट में आ गए। इसी दौरान छात्रावास में पानी भरने आए एक ग्रामीण ने छात्रावास के छात्रों को सूचना दी, जिसके बाद दोनों छात्रों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रों में विकास उम्र 17 वर्ष कक्षा 12वीं तथा आकाश कक्षा 12वीं की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों का छात्रावास पहुँचने का क्रम जारी है। सुबह हम सब उधर नाश्ते की घंटी लगी थे, सब नाश्ता करने जा रहे थे। एक काका है जो तले पुरिया के थे, जो पानी भरने आए, उन्होंने देखा तो दो लड़के अंदर पड़े, काई में पड़े थे, टंकी में अंदर पड़े। तभी हमने दौड़ लगाई और सब वायर तोड़े और फिर उनको निकाला अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों लड़के क्या लग रहा था, मर गए थे या क्या लग रहा था? ऐसे चलते थे, हमने निकाला था, फिर एम्बुलेंस बुलाए और फिर लेके आए। चले, क्या नाम है दोनों के? विकास और आकाश। अच्छा, कितनी कक्षा में पढ़ते थे? 12th में थे। ठीक है, ये कौन सा छात्रावास है? सीनियर बालक छात्रावास। ठीक है, सुबह कितनी बजे घटना होगी? 7:30। धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.